Hello and welcome back to the channel. This is Abhinav. So in this video, we're going to talk about the problem E of code forces round, educational code forces round, 2019. So which is replace the number. So this is a really amazing question, and I hope that you will learn something new by seeing this editorial. And if it is helpful for you, please comment helpful in the comment section below. Okay, and also please subscribe to our channel and like the video. Fine. So first of all, let us understand the problem statement. Okay, so the problem statement is that there are some queries. Okay, there are some queries in Q queries. Okay, and in each query there are two types of queries. The first is that if there is one and a number, then that means that you have to add that element x to the end of the array. Fine. If there is two and then two numbers, it means that you have to replace all the occurrence of number x with y. Fine. So ऐसे दो queries हैं आपके पास में, ठीक है? आपको इन दोनों queries का use करते हुए इस particular problem को आपको solve करना है. So ये आपको दिया गया है यहाँ पर. Fine. So it is a really amazing problem. So देखते हैं इसमें कैसे कर सकते हैं. बहुत ही simple approach use करेंगे इस problem को करने के लिए. Fine. तो video last तक देखना, कोई भी doubt तो आप पूछ सकते हो. Fine. तो अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है? तो पहली चीज तो ये है कि इसका एक पहले तो एक लॉजिक आ जाता है जो ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है. ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन बहुत लोगों ने ट्राई भी किया होगा, हम लोग उसको पहले समझते हैं कि ब्रूट फोर्स में किस तरीके से किसके थ्रू होगा, ठीक है? तो पहले तो ये समझते हैं ब्रूट फोर्स में किस तरीके से ये प्रॉब्लम हो रही है. तो देखो ब्रूट फोर्स में कैसे होगा, हमारे पास कुछ एरे होगी, ठीक है? हमारे पास हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे पास वन वन और एक्स आता रहेगा तो हम लोग अपने एरे में x जो भी x होंगे उसको पर्टिकुलर इनपुट करते जाएंगे, ठीक है? फिर जब हमारे पास 2xy आएगा तो हम लोग जितनी हमारी एरे बन चुकी है जो वेक्टर होगा उसको हम लोग फिर से एक बार इटरेट कर लेंगे और देख लेंगे जहां जहां x आ रहा होगा उसको हम लोग y से रिप्लेस कर लेंगे. एक तो सीधा सीधा सिंपल सा अप्रोच था, ठीक है? इसको बहुत लोगों ने ट्राई किया होगा, ठीक है? मैंने भी हल्का सा हल्की से कैसे तो ब्रूट फोर्स ये अप्रोच नहीं, मैं थोड़ी सी और इससे थोड़ी सी और कह सकते हो कि एफिशियंट थी, बट पूरी तरीके से एफिशियंट नहीं थी, इसलिए मेरा TLE आ गया. फाइन. तो बट उसके बाद में मैं थोड़ा सा देखा, मैंने तो काफी एक अच्छा इसमें कॉन्सेप्ट आ रहा है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कि आपको आगे भी हेल्पफुल होने वाला है. तो उसको देखते हैं समझते हैं कैसे, ठीक है? तो ये चीज होगी. तो एक चीज देखो, हमें करना क्या है, हमें क्या करना है कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक एरे है, हमारे पास एक एरे है जिसमें कि फॉर एग्जाम्पल कुछ एलिमेंट्स हैं a1 a2 a3 a4 एंड a5, ऐसे करके हमारे पास एक एरे है, ठीक है? अब इस एरे में हमें क्या करना है, अब हमारे पास मान लो यहाँ तक हमारे पास 1a1 आया था, 1a2 आया था, एक क्वेरी आया था, हम लोग सबको ऐड कर दिया, हमारे पास ये एरे आ चुकी है. अब हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 2 करके x और y आया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन सब में से x चेक करना पड़ेगा और y चेक करना पड़ेगा, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, अब जितने भी यहाँ पर x थे सबको y में रिप्लेस, फॉर एग्जाम्पल ये इसकी वैल्यू x थी और इसकी वैल्यू x थी, हमने इसको काट के y कर दिया इनके जगह पर, बाकी सब ऐसे ही रहे जो भी थे, ठीक है? तो हमें ये चीज करनी होगी. अब इसको दोबारा इट्रेट करना तो ब्रूट फोर्स हो गया, वो एन स्क्वायर हो जाएगी उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, क्यू स्क्वायर तो भी कुछ होगी, ठीक है? तो ये तो टीएलई देगा. अब देखो हम करेंगे कैसे इसको, अभी चीज देखो आप, अगर आप इसको उल्टा जाए, उल्टी जाए आप इन पांच नंबर को डालने से पहले आप पीछे से इट्रेट करें. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो क्वायरीज थी वो ये थी कि वन फॉर एग्जाम्पल 1x 1y देन 1z देन 1x, ओके देन 1y. फॉर एग्जाम्पल ये बस क्वेरी थी, तो 1x का मतलब x आया था हमारी एरे में, फिर y आता, फिर z आता, फिर x आता, फिर y आता, और फिर हमारे पास 2xy दिया होता. अब हमारे पास 2xy फिर से दिया होता, तो हम लोग क्या करते, जितने में x थे उनको y से रिप्लेस कर देते, तो हमारे पास नई एरे आया थी y y z y y, ये हमारे पास हम लोग जा रहे हैं से हो रहा है, ठीक है? अब एक चीज समझो, एक चीज समझो, अगर हम लोग इसी ये क्वेरी हम लोग नीचे से अप्रोच करते, ठीक है, उल्टी चीज अप्रोच करते, इसी सेम क्वायरी को नीचे से अप्रोच करते, नीचे से ऊपर जाते, अब कह देंगे आप नीचे ऊपर जा सकते हैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, पर ऐसा पॉसिबल है. देखो कैसे पॉसिबल है, पहली क्वायरी हमारी है 2xy, तो हमको एक चीज अलग लगेगी कि हमारे पास जहां भी ऊपर ऊपर x आएगा इसके पहले हमें उसको y किसी एक्सचेंज करना है, जहां हमारे पास x आ रहा होगा हमें पहले से ही पता है, हमें दोबारा इटरेट करने की जरूरत ही नहीं है, कि जहां भी x आ रहा होगा हमें उसकी जगह y को पुश करना होगा, हमें चीज पहले पता चल गई क्वायरी की स्टार्टिंग में ही, बिकॉज हमें उल्टा इटरेट करना है. तो हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक मैप था, हैश मैप था, हम लोगों ने उस मैप में एक्स की वैल्यू को भी एक्स डाला हुआ था, हमने उसकी वैल्यू काट के वाई कर दी,
कि जब भी एक्स आएगा हम लोग उसके लिए वाई डाल देंगे। अब हम लोगों ने उल्टा ट्रेड करना शुरू किया, तो पहले हम वाई है, वाई को वाई रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, फिर एक्स आया एक्स को एक्स रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, फिर जेड आया जेड को जेड रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, और सॉरी एक्स को एक्स क्यों रखा हमने, सॉरी सॉरी सॉरी, हमें वाई आया तो वाई को हमने वाई की जगह ऐसे पुट कर दिया हमारे एरे में, ठीक है ये हमारी एरे चल रही है। अब एक्स आया, एक्स की जगह हमको पता था कि जो एक्स की वैल्यू वो वाई हो चुकी है, तो हमने एक्स की जगह वाई पुट किया, जेड की जगह जेड रखा, वाई की जगह वाई रखा, और फिर एक्स की जगह वाई पुट किया, एक्स की जगह वाई पुट, और फिर इसको रिवर्स कर देंगे, इस केस में पहले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे फर्क पड़ेगा, रिवर्स कर देंगे अपने, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। लोग तो मैच कर रहे हैं कि नहीं मैच कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये अप्रोच है। मतलब थोड़ा आपको टाइम लगेगा समझने, एक काम करते हैं एक और टेस्ट केस लेते हैं, मान लो टेस्ट केस दिया गया है, उस टेस्ट केस से समझते हैं इस वाली प्रॉब्लम को, ठीक है। लास्ट तो ब्रेक में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, लेते हैं काम करते हैं, ये वाला टेस्ट केस लेते हैं पहला वाला, ठीक है। हम लोग ने कॉपी किया और हम लोग अब जाके इसको वहां पे पेस्ट कर देंगे अपने व्हाइट बोर्ड में, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर पेस्ट कर दिया हम लोगों ने, ओके ये रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास टेस्ट केस है, हमारे पास कुछ क्वेरीज दी गई हैं, और हमारे पास क्या दिया गया है, एक नंबर, तो हमारे पास सेवन क्वेरीज हैं, ठीक है, हमारे पास सेवन सेवन क्वेरीज हैं। अब हम लोग इनको देखेंगे कि इनको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, राइट। अब देखो हम लोग इसको किस तरीके से अप्रोच करेंगे, देख रहे होंगे आप दो सारी है, आप देख रहे होंगे, या ओके फाइन। सो अब देखते हैं हम लोग उसको किस तरीके से अप्रोच करेंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। अब पहले तो नॉर्मल तरीके से लेते हैं, नॉर्मल लोग क्या करते हैं, ब्रूट फोर्स या कुछ भी क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक एरे होती है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर है, हमारे पास वेक्टर नहीं है, हमारे पास ठीक है ये वेक्टर है, तो हमें वेक्टर हमने थ्री इंसर्ट किया, थ्री आ गया हमारे पास, फिर हमने वन इंसर्ट किया, वन आ गया। अब जहां जहां वन था उसको टू कर दिया, तो ये वन था इसको काट के हम लोगों ने टू कर दिया, इस वन को काट के हम लोगों ने टू कर दिया, ठीक है। अब क्या किया है, टू इंसल्ट किया है, अब क्या किया है, वन को इंसल्ट किया है, उसके बाद क्या किया, जहां जहां वन था वहां थ्री कर दिया है, जहां जहां वन था वहां पे थ्री कर दिया, मतलब ये था, ठीक है। सॉरी हम लोग कुछ मिस किया क्या, हाँ टू को एक बार और, सॉरी टू को एक बार और यहाँ करना था, ठीक है, तो एक बार टू को और यहाँ कर दिया है, इस तरीके से हमारे पास एरे थी, ठीक है, ये था हमारे पास। तो हमारे पास क्या वेक्टर आ गया था, फाइनल वेक्टर हमारे पास थ्री टू वन, सॉरी थ्री वन टू, थ्री हाँ थ्री टू टू थ्री टू, ये हमारा फाइनल वेक्टर आ गया था, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल वेक्टर आ गया था थ्री टू टू, या यहाँ आप देखेंगे भी आप अगर आउटपुट में, तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो फाइनल वेक्टर है यही है थ्री टू टू थ्री टू, ठीक है ये आ गया था, ये हम लोगों ने नॉर्मली अपना जो नॉर्मल प्रोसेस वो लगाया है यहाँ पर, ये हमारे पास आउटपुट आ गया है। अब देखते जो जो लॉजिक मैंने आपको बताया अभी वो हम लोग कैसे अप्लाई करें, ठीक है। तो वो लॉजिक के हिसाब से हम लोग को उल्टा इटरेट करना था, अपोजिट, ठीक है, उल्टे तरीके से, क्योंकि अगर हम लोग को पहले ही पता होगा कि हम लोग को कौन सी वैल्यू की जगह क्या डालनी है, तो फिर इजी हो जाएगा ना भाई। देखो हम लोग ने यहाँ इटरेट किया, फिर उसने बोला कि वन की जगह टू डालो, जहां जहां वन था उसको टू कर दो, तो आपने साढ़े वन को काट टू कर दिया। अगर आपको पहले से ही पता हो कि जहां जहां वन है उसको टू करना, तो आप जब जाएंगे तो वन डिजिट टू डाल देंगे सीधे, दोबारा चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। तो अगर आपको इतनी बार समझ में आ गया, तो एक बार प्लीज आप वीडियो पॉज करके खुद से इम्प्लीमेंट करें, अगर फिर भी नहीं तो आप फिर आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब एक काम करते हैं हम लोग ये लॉजिक हटा देते हैं, हम लोग ये लॉजिक समझ ही गए हैं कि इसमें क्या करना है हमें, तो हम लोग इस लॉजिक को यहाँ से रेस कर देते हैं, कोई मतलब नहीं इस लॉजिक का अब हमारे पास, अब हम अपने नए लॉजिक से करेंगे, इससे हमारे पास आउटपुट आना है, ठीक है। अब देखते हैं वो लॉजिक है क्या, ठीक। देखो एक चीज, हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे, हर वैल्यू के हम लोग एक एक मैप बना लेंगे, हैश मैप, उस हैश मैप में डाल देंगे वन की वैल्यू, हमारे पास क्या है, वन है, फॉर एग्जाम्पल ये वन है, तो इसकी पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास अभी वन है, टू के लिए हमारे पास वैल्यू टू है, थ्री के लिए हमारे पास वैल्यू थ्री है, यहाँ पर अभी फिलहाल क्योंकि वन टू थ्री है हमारे पास, तो हम वन टू थ्री की वैल्यू लेंगे, तो फिलहाल ये बोल रहा है कि वन के लिए वन वैल्यू है, टू के लिए हम लोग टू डालेंगे, थ्री के लिए टू थ्री डालेंगे, अभी कोई भी चेंजेस नहीं आए हमारे पास हमारी क्वेरी में। हम लोग क्वेरीज लेना शुरू कर, तो मे भी कुछ चेंजेस आए, और ये हमारे पास मॉडल में वेक्टर है, ये हमारे पास वेक्टर है जो हमें आंसर चाहिए, ये वेक्टर है हमारे पास, ठीक ठीक अब एक चीज देखो यहाँ लिखा है, ये वाला पहली क्वेरी देखो, यहाँ लिखा है टू वन थ्री, मतलब जहां जहां वन है वहां पर आपको थ्री स्टोर करना होगा, मतलब जो वन की वैल्यू थ्री हो चुकी है, जो हैश मैप वन की वैल्यू वो थ्री हो चुकी है, ये तो मतलब हुआ ना इसका कि जहां जहां अब वो बोल रहा है जहां जहां वन था उसको थ्री कर दो, तो हम लोग जहां जहां वन डालेंगे, तो हम लोग उल्टा चल रहे हैं, तो जहां जहां हम लोग वन डाल रहे होंगे वहां वहां हम थ्री डालेंगे, अब ये बात हम लोग समझ में आ गई, ठीक है।
तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को काट के हम लोग 3 कर देंगे, ठीक है, ये कर देंगे, ठीक है। या फिर एक तरीके से बोल सकते हैं कि 1 की जगह हम लोग 3 वाली वैल्यू डालेंगे, तो 1 के हैश में जो वैल्यू पड़ी वो 3 के हैश में वैल्यू हो जाएगी, 3 के हैश में 3 है तो 3 आ गया यहाँ पर, 3 के हैश में 3 है तो 1 की जगह इसके हैश में वैल्यू आ गई, वो है 3, फाइन, ठीक। अब देखो, अब आया 1 2, तो हम लोग क्या करना, 2 को इनपुट करना, 2 की वैल्यू क्या, 2 की वैल्यू 2 है, 2 की वैल्यू यहाँ पर देखो 2 ही है, ठीक है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो हमने क्या किया, हमने 2 डाल दिया अपने वेक्टर में, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है 1 कॉमा 1, हमें 1 इंसर्ट करना है, 1 की जगह मतलब क्या 3 है, तो हमने 3 इंसर्ट कर दिया। अब आते हैं 1 कॉमा 2, तो हमें 2 को इंसर्ट, 2 की वैल्यू 2 ही है, 2 इंसर्ट कर दिया। अब है 2 1 2, अब देखो इसको, 2 1 2 मतलब जहां जहां 1 था उसको हमें 2 करना है, तो जो 1 की वैल्यू थी उसे हमें 2 की वैल्यू बना देना है, तो जो 1 की वैल्यू थी उसे हमें 2 वाली वैल्यू, 2 पे वैल्यू 2 है तो 1 की वैल्यू हो गई 2 वाली वैल्यू, मतलब 2, तो हमें 1 की 1 इनपुट करने के लिए हम लोग 2 को इंसर्ट करेंगे, और 3 की जगह हम लोग 3 की 3 3 वैल्यू 3 इंसर्ट कर देंगे। फिर इस वेक्टर को हम लोग एक बार रिवर्स कर देंगे, क्योंकि हम लोग उल्टी क्वारी चल रहे थे ना, और ये हमारे पास आंसर था, यहाँ से भी आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई, इस तरीके से हम लोग इस प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे, जिससे एक ही बार में हम लोग पूरी तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, नहीं, बहुत ही अच्छा लॉजिक है। ओके ओके, तो अब एक काम करते हैं कि कोड पे आ जाते हैं, ना कोड पे आ जाते हैं, कोड बहुत ही नॉर्मल सा है, बहुत ही सिंपल सा कोड है, ठीक है, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा कोड। तो या दिस इज द कोड, देखो इसमें क्या किया है मैंने, इसमें मैंने क्या किया है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको हल्का सा। तो मैंने देखो यहाँ क्या किया है, मैंने एक तो पहले तो सिंपली मैंने जितनी भी क्वेरीज उसको मैंने एक वेक्टर में डाल दिया है, जितनी भी क्वेरीज थी, क्योंकि हम लोग क्वेरी को उल्टी जो है रिवर्स ऑर्डर में उसको हम लोग देखने वाले, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, क्योंकि हमारे पास जो एन का कॉन्स्टेंट था, मतलब जो नंबर का कॉन्स्टेंट था, वो हमारे पास अप टू 5 to 10 to 5 था, तो मैंने वहां तक के सारे नंबर्स को उनकी इनिशियल इंडेक्स दे दिए, तो स्टार्टिंग में सारे नंबर्स की वैल्यू तो वो नंबर ही रहेंगे ना, मतलब ए आर आई की वैल्यू आई तो रहेगी, जो 1 है वो 1 रहेगा, 2 है 2 रहेगा, बाद में स्वैपिंग होगी, किसको किससे रिप्लेस करना है, किसकी वैल्यू किसकी वैल्यू से रिप्लेस करना है। अब लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास वीवी साइज 2 है, मतलब साइज 2 मतलब है कि हमारे पास सीधे 1 और एक और नंबर है, इसका मतलब हम लोग सीधे सीधे उसमें वो नंबर को पुश बैक कर देंगे। अगर हमारे पास वीवी की साइज 3 है, इसका मतलब कि हमारे पास ये वाली क्वायरी है, दूसरे टाइप की क्वायरी है, जिसमें एन एक्स वाई है, तो हमें क्या करना था, हमें एक्स की वैल्यू को वाई की वैल्यू बना देना था, जहां एक्स की वैल्यू उसको हम वाई की वैल्यू बना देंगे। तो हम लोग एक्स को, एक्स की जो वैल्यू थी फिलहाल, तो यहाँ पर कुछ थी, जो भी कुछ थी पहले वाले जो भी थी, उसको हम लोग वाई की जो वैल्यू वो दे देंगे, जो हम लोग कर रहे थे अपने लॉजिक में, और नॉर्मली बस इतना ही कोड था, और फिर हम लोग रिवर्स कर देंगे अपने वेक्टर को, और हम लोग प्रिंट कर देंगे उसे। तो मुझे नहीं लगता इससे इजी लॉजिक आपको ये मिलेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये था इस तरीके से, ऐसा मैंने आपको बताया, बहुत ही ईजी है, और टेस्ट के साथ लेके चेक कर सकते हैं, जितने तीन आप शायद में 3 टेस्ट केस दिए गए, आप तीनों टेस्ट केस को लेकर के चेक कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, इस लॉजिक से तीनों से सही आंसर आएगा। सो ये था, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ ले, टेलीग्राम में पूछ सकते हो, सब्सक्राइब कर चैनल को ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए, कोर्स से कोर्स फोर्स सॉल्यूशन के लिए। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक इट, प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन, शेयर द वीडियो विद फ्रेंड्स, थैंक यू वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी कोडिंग।